हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका MDCTI इंडिया के द नॉलेज अप चैनल में। जैसा कि आपको बताना चाहूंगा कि आज की इस वीडियो में CCC के 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये इस तरीके से हो कि ये CCC के एग्जाम में आने ही आने हैं, ये मान के चलिए, आप 100% मान के चलिए, 100% आएगा देन आएगा। ओके, तो इस तरीके से लिब्रे ऑफिस के कुछ क्वेश्चंस, इंटरनेट के कुछ क्वेश्चंस, ई गवर्नेंस से संबंधित रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, और मतलब सबके निचोड़ को आपको इस टेस्ट में दिया जा रहा है। और मैंने बच्चों का टेस्ट भी लिया हुआ था, तो उस टेस्ट में आंसर शीट ना बता के मैं इनको डायरेक्ट वीडियो के माध्यम से आंसर शीट भेजता हूँ। ये काफी रोमांचक भी होगा और इससे जल्दी काफी समझ में भी आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, P2P क्या है? P2P क्या है? जब कोई कंप्यूटर नेटवर्क हम स्थापित करते हैं, तो उसमें एक ऐसा कंप्यूटर जो खुद होस्ट होता है और खुद क्लाइंट होता है, उस टाइप के नेटवर्किंग को P2P कहा जाता है, पीयर टू पीयर प्रोटोकॉल कहा जाता है। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन, पिन का पूर्ण रूप क्या है? पिन का पूर्ण रूप क्या है? तो ये मान के चलिए कि आपका ये जितने भी क्वेश्चन आज अटेम्प्ट करेंगे आप, 100% CCC के एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए बहुत ही अच्छी तैयारी करेंगे आप इस वीडियो को देखते हुए। लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। पिन का पूर्ण रूप क्या है? तो पिन का पूर्ण रूप है ऑप्शन नंबर बी, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। हर जगह पिन नंबर होता है, तो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है इसका पूरा नाम। अगला क्वेश्चन है, आरटीजीएस का पूरा नाम क्या है? आरटीजीएस का पूरा नाम अभी जल्दी मैंने पढ़ाया, आरटीजीएस। तो आरटीजीएस का जो पूरा नाम है वो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसकी जो मिनिमम राशि होती है सेंड करने की वो 2 लाख होती है, जबकि NEFT, नेफ्ट का जो होता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, उसका जो मिनिमम अमाउंट होता है वो 1 लाख रुपए, सॉरी 1 रुपए होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, HTTP में TT का क्या अर्थ है? TT क्या है? टेक्स्ट ट्रांसफर, टेस्ट ट्रांसफॉर्म, टेस्ट ट्रांसफर, या इनमें से कोई नहीं? तो ये एक प्रोटोकॉल है, आप जानते ही होंगे कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, उसी में TT का सिर्फ पूछा हुआ है, तो इसका आंसर नंबर ए सही होगा, टेक्स्ट ट्रांसफर। अगला क्वेश्चन, आप मान के चलिए कि ये सारे क्वेश्चन आने ही आने हैं, मिस नहीं होना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5, IFSC कोड क्या है? IFSC कोड क्या है? हर बैंकों में आप देखते होंगे कि जब भी कभी पेमेंट करने का सिस्टम होता है, मैंने आपको लिखवाया भी था कि IFSC कोड की जरूरत होती है, बैंक के नेम की जरूरत होती है, अकाउंट होल्डर की बेनिफिशियरी, मतलब बेनिफिशियरी का नाम होना, ये सारी कंपल्सरी होते हैं, तो जिसमें IFSC कोड क्या होता है? 4 ऑप्शन है आपके पास। देखिए, पहला जो ऑप्शन है, एक अल्फा न्यूमेरिक 11 डिजिट का कोड होता है, जहां तो जो IFSC कोड होता है वो 11 अंक का ही होता है, 11 डिजिट का ही होता है, तो पहला आंसर तो सही है। बट जो बी वाला आंसर है, बी वाला ऑप्शन कह रहा है कि पहला 4 अल्फाबेट बैंक के लिए और आखिरी के 6 न्यूमेरिक कोड ब्रांच के लिए होते हैं, और बीच में 0 लगा होता है, यानी कि हम दोनों को कंबाइन कैसे करते हैं, 0 से करते हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जो नौतनवा का PNB है, उस PNB का जो IFSC कोड है PUNB, 4 अंक अल्फाबेट हो गए, 0 0 से सेपरेट कर लिया बीच में, 400300, ये लास्ट के जो 6 डिजिट है वो आपके बैंक के लिए हैं, ब्रांच के लिए हैं, और बाकी का जो 4 अल्फाबेट है वो बैंक के लिए है, और बीच में सेपरेट किससे हो रहा है, 0 से हो रहा है, यानी कि ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ये क्या भाई, ये तो IFSC का पूरा नाम ही दे दिया है, इसका मतलब ये जो तीनों ऑप्शन दिया हुआ है ना इसने, ये तीनों ऑप्शन सही है। अब तीनों ऑप्शन जब सही है, तो नीचे का चौथा ऑप्शन क्या दे रखा है, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सभी सही हैं। IFSC कोड क्या है, एक अल्फा न्यूमेरिक 11 डिजिट कोड भी है, अल्फा न्यूमेरिक आपका 4 डिजिट, जो 4 अल्फाबेट होता है वो बैंक के लिए स्टार्टिंग का होता है, लास्ट के जो 6 डिजिट होते हैं वो न्यूमेरिक कोड होते हैं जो कि ब्रांच के लिए होते हैं, बाकी भी दोनों को सेपरेट कंबाइन करने के लिए 0 होता है, इसका फुल नेम क्या होता है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है, यानी कि 4 सही, ऑप्शन नंबर डी सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक बात और बार बार मैं कह रहा हूं कि ये जो सारे क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, ये क्वेश्चन CCC के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मान के चलिए 100% क्वेश्चन आना है, और इसकी तैयारी आप बहुत अच्छे से करेंगे। पहला माइक्रो ATM बेस्ड
किस बैंक ने शुरू किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने ही पहला एटीएम आधार बेस्ड शुरू किया हुआ था अपनी बैंकिंग में। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। व्हाट्सएप ग्रुप में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? जो आप ग्रुप बनाते हैं ना ग्रुप, वो कितने मैक्सिमम कितने आप ऐड कर सकते हो? तो व्हाट्सएप ग्रुप में मैक्सिमम कितने सदस्य अधिकतम हो सकते हैं मैक्सिमम? तो इसका जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर ए, 256। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस से। लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? देखिए चार ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, आप बहुत विशेष ध्यान देंगे कि लिब्रे ऑफिस और एमएस ऑफिस दोनों का अलग अलग एक्सटेंशन होता है। तो यहां पे कुछ एक्सटेंशन दे रखे हैं, जैसे लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफॉल्ट एक्सटेंशन जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, .odt ओपन सोर्स ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट इसका पूरा नाम है। और जो ODS है, ODS ये स्प्रेडशीट यानी कि कैल्क का है ये, और ODP जो है वो इम्प्रेस का है। इम्प्रेस का मतलब हो गया पावर पॉइंट, ठीक है ना, प्रेजेंटेशन है ये। और जो नीचे दे रखा है .docx, docx एक प्रकार का एमएस ऑफिस का ये एक्सटेंशन है, एमएस ऑफिस वर्ड का है, ये लिब्रे ऑफिस राइटर का नहीं है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्या पालतू के नाम का पासवर्ड बनाना चाहिए? सही है या गलत है आप बताइए। बार बार कभी भी आप जब पासवर्ड बनाते हैं तो बोला जाता है कि अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। स्पेशल कैरेक्टर में आपका आ जाता है @ हो जाता है, डॉलर आ जाता है, अंडरस्कोर आ जाते हैं, तो ये सारी चीजें स्लैश हो जाता है। तो ये सब उस पासवर्ड में होना चाहिए। ऐसा क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपका पासवर्ड जो होना चाहिए वो स्ट्रॉन्ग बेस्ड होना चाहिए। और पालतू नाम का जानवर या फिर कोई भी नाम का पासवर्ड नहीं डालना चाहिए। इससे क्या होता है, पासवर्ड वीक होता है, कभी भी आसानी से हैक किया जा सकता है आपके पासवर्ड को। इसलिए जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो गलत होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। USSD का पूरा नाम क्या है? USSD क्या होता है? USSD में आप देखते होंगे कि जब छोटी मोबाइल थी या फिर अभी भी जो बड़ी स्मार्टफोन है उसमें भी हम लोग डायल करते हैं स्टार, फिर नंबर कुछ डायल करते हैं, उसके बाद लास्ट में हैश डायल कर देते हैं। तो ये होता है USSD कोड। USSD कोड इसी को बोलते हैं कि स्टार के साथ *123 हैश, यही USSD कोड होता है। तो इसका पूरा नाम क्या होता है? तो इसका पूरा नाम आपका है ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। लिब्रे ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये सही है या गलत है? तो इस पे कभी कभी क्वेश्चन को कुछ यूं तरीके से पूछ देता है कि लिब्रे ऑफिस एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना, या फिर कभी कभी क्वेश्चन कर देता है कि लिब्रे ऑफिस एक ओपन सोर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो मैं आपको बता दूं, ओपन सोर्स तो है लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही है और ओपन सॉफ्टवेयर है, यानी कि। लेकिन आज का जो क्वेश्चन है आपका वो क्या है, लिब्रे ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जी हाँ बिल्कुल सही है, इसका आंसर राइट है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, सॉल्व मैक्स मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है वेयर A1 टू A3 रेंज, यानी कि आपको रेंज दे दिया, इसमें आपको बताना है कि जो आपने फार्मूला यूज किया हुआ है वो कौन सा फार्मूला सही होगा। तो आपको मैंने जब फंक्शन पढ़ाया हुआ था तो उसमें मैक्स फंक्शन आया हुआ था, मैक्सिमम मिनिमम ये सारी चीजें, तो इसमें इक्वल टू का लगाना तो मस्ट है, तो इक्वल टू लगेगा, मैक्स फंक्शन लगेगा, ये भी सही है। अब A1 से लेकर A3 तक रेंज बनाना है आपको, तो रेंज बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कोलन से सेपरेट किया जाता है, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मैक्स ब्रैकेट में A1:A3। आप जैसे ही एंटर प्रेस करोगे A1 से लेकर A3 के बीच में जितने भी मैक्सिमम नंबर होगा वो मैक्सिमम नंबर आपके सामने फाइंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। फाइंड कोटिएंट ब्रैकेट में है 5,2। इसमें आपको ये बताना है, जैसे आप जब छोटे रहे होंगे भाग देते होंगे, डिवाइड स्टार्ट करते होंगे, तो उसमें रिमाइंडर निकालते होंगे आप कोटिएंट, तो ये सारी चीजें। तो कोटिएंट का मतलब हो गया कि जब आप भाग देते हैं तो भागफल, जो भागफल है वो कितने बार में, ये 5 में अगर 2 से भाग दिया जाए तो कितने बार में पूरा पूरा जाएगा, ये भागफल क्या आएगा इसका। तो भागफल का मतलब, अब 5 में 2 से आप भाग दोगे तो 5 में 2 से जब भाग दोगे आप तो 2 दूना 4 यानी कि 2 आया इसका,
इसका अगर रिमाइंडर पूछता तो रिमाइंडर वन आता, लेकिन इसमें क्वोटिएंट पूछ रहा है तो क्वोटिएंट क्या है इसमें, टू है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर होगा टू। फेसबुक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, फेसबुक अकाउंट ओपन करने की न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए। तो आपको मैं बता दूं, जो फेसबुक अकाउंट ओपन होता है उसका जो मिनिमम एज होता है वो 13 ईयर होना चाहिए, 13 साल होना चाहिए। ध्यान दीजिए कि बार बार मैं आपसे अपील कर रहा हूं, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चन अभी इधर ये वीडियो लगातार बनाता रहूंगा मैं इंपॉर्टेंट वाले, और जितने भी क्वेश्चन आपको जितने भी टेस्ट लिए जाएंगे उन टेस्ट में उनका पूरा डिस्क्रिप्शन आपको मैं वीडियो के थ्रू दूंगा, ताकि आप वीडियो देख के इंटरेस्टिंग भी हो और इससे आपको थोड़ा सा इलेबरेशन भी हो। कहीं अगर मान लीजिए नोट्स नहीं भी बना पाते हैं आप, तो ये भी एक नोट्स का ही काम करेगा, ठीक है। तो जो फेसबुक अकाउंट ओपन करने की न्यूनतम एज होती है, कम से कम उम्र होती है, वो 13 साल। अगर आपकी उम्र 13 साल से कम है तो आप फेसबुक को जनरेट नहीं कर सकते हैं। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ओएलएक्स क्या है? आपको पता है कि ओएलएक्स एक ऐसी वेबसाइट होती है जहां पर कोई भी कस्टमर अपना सामान अपलोड करता है, और कोई भी कस्टमर अगर उस सामान को पसंद करता है तो उसको वहां से परचेस कर सकता है अपने लोकेशन एरिया में या फिर किसी के दूसरे एरिया में भी, वो सर्च करके। मतलब इसमें सीधे सीधे सी टू सी टाइप का ई कॉमर्स है ये। ये क्या है? ई कॉमर्स की टाइप मैंने आपको बता रखी थी कि ई कॉमर्स जो होता है चार टाइप के होते हैं। पहला होता है B2B, दूसरा होता है B2C, तीसरा होता है C2B और चौथा होता है C2C। तो ये C2C टाइप का ई कॉमर्स सिस्टम है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी सही है, ओएलएक्स एक ई कॉमर्स वेबसाइट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, कंप्यूटर में पैन का पूर्ण रूप क्या है। वाह, तो अगर इसमें कंप्यूटर ना दिया होता, जैसे ये सारी चीजें हैं ऑप्शन दिया हुआ है, अगर इसमें कंप्यूटर ना दिया होता तो पैन का पूरा नाम, जो हम लोग पैन कार्ड बनाते हैं अपने आइडेंटिफिकेशन के लिए, उस पैन का नाम हो जाता परमानेंट अकाउंट नंबर। बट इसमें दे दिया कंप्यूटर में पैन का पूरा नाम क्या है, तो परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं होगा इस बार, इसका पूरा नाम होगा पर्सनल एरिया नेटवर्क। जी हाँ, ये लैन से ही संबंधित होता है, वैन से संबंधित होता है। वैन का मतलब हो गया कि जब आप ब्लूटूथ से या फिर वाईफाई किसी को हॉटस्पॉट वगैरह देते हैं तो उसमें आप पासवर्ड लगा के प्रोटेक्टेड रखते हैं, उसी को बोला जाता है पैन। पैन का मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क, वो आपका नेटवर्किंग एरिया होता है और वो आपने प्रोटेक्ट कर रखा है उसको प्राइवेटली तरीके से। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पर्सनल एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 17, किसी कॉलम को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। तो इसका राइट आंसर होगा कंट्रोल के साथ स्पेस बार। अगर आप कंट्रोल के साथ स्पेस बार क्लिक करते हैं तो पूरा का पूरा कॉलम एक ही बार में आपने सिलेक्ट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 18, लेफ्ट क्लिक करके सभी स्लाइड पर ले जाने से क्या होता है। मूविंग, सिलेक्टिंग, ड्रैगिंग, None of this. जब आप लेफ्ट क्लिक करते हो किसी भी स्लाइड पर, सभी स्लाइड पर, तो इससे क्या होता है? तो आपको बता दूं, इससे मूव होता है। किसी भी लेफ्ट क्लिक करके सभी स्लाइड पर ले जाने से आपका जितने भी स्लाइड होंगे वो मूव करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, भीम एप्लीकेशन द्वारा अधिकतम एक दिन में कितना अमाउंट ट्रांसफर किया जा सकता है। सॉरी, यहाँ पे देखिए आपका अमाउंट में टी छूट गया है। मैक्सिमम कितने आप एक दिन में ट्रांजेक्शन कर सकते हो भीम एप्लीकेशन के द्वारा, यूपीआई के द्वारा। यूपीआई तो सुना ही होगा, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो उससे आप कितने बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हो, तो आपको बताना चाहूंगा एक दिन में कम से कम 40,000, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 40,000 आप भीम एप्लीकेशन से ट्रांसफर कर सकते हो। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मान के चलिए 100% एग्जाम में आने ही आने हैं, इसलिए बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करिएगा आप। इधर जो भी टेस्ट लिया जाएगा, अभी तक आप लोगों ने सही से टेस्ट दिया नहीं, लेकिन जितने भी इधर टेस्ट लिया जाएगा वो टेस्ट ये मान के चलिए कि 100% एग्जाम में आना ही है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20, फोन पे क्या है। फोन पे जो आप एप्लीकेशन यूज करते हैं वो क्या है। तो NIC कार्ड तो है नहीं, कोई मैसेंजर है नहीं, उसपे बातचीत होता नहीं है, और ये एक प्रकार का ई वैलेट है। ई वैलेट मतलब आप उसमें अपने मनी को डिजिटल तरीके से रख सकते हो और उसका यूज किसी को ट्रांसफर करने के लिए बैंक अकाउंट में, या फिर आप उस पैसे का कोई भी परचेजिंग कर सकते हो। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है, फोन पे एक ई वैलेट एप्लीकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, थीसिस के लिए शॉर्टकट की क्या है।
देखिए यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा मैं, जब आप स्पेलिंग की चेकिंग करते हैं तो स्पेलिंग का चेकिंग करने का जो शॉर्टकट होता है F7 होता है, लेकिन यहाँ पे थीसिस है, थीसिस का मतलब होता है सिनोनिम, सिनोनिम का मतलब समान अर्थ। अगर किसी वर्ड का एमएस ऑफिस में जब आप वर्ड यूज करते हो और किसी वर्ड को सेलेक्ट करके उसका समान मीनिंग मतलब सेम मीनिंग आप खोजना चाहते हो, सिनोनिम खोजना चाहते हो, तो उसके लिए थीसिस का इस्तेमाल किया जाता है। और ये ऑप्शन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर ए सही है। शिफ्ट के साथ जब आप F7 करेंगे तो थीसिस ऑप्शन एक्टिवेट होगा, और खाली F7 करेंगे आपका तो स्पेलिंग चेकिंग होगी, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। आरडीएस का पूरा नाम क्या है? आरडीएस, आरडीएस का मतलब हो गया इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज। अगला क्वेश्चन 23, एमएस वर्ड और राइटर में सबसे नीचे जो दिखाई देता है उसे क्या बोलते हैं? एमएस वर्ड में जो सबसे नीचे दिखाई देता है उसको स्टेटस बार ही बोलते हैं, टाइटल बार तो सबसे ऊपर होता है, टास्क बार इसमें होता नहीं है, मीनू बार इसमें होता है तो टाइटल बार के नीचे ही होता है, इसलिए सबसे नीचे क्या होता है? स्टेटस बार होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 24, यूपीआई पिन कितने डिजिट का होता है? वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और जो लोग भी यूज करते होंगे वो देखते होंगे, जैसे भीम, जी पे, फोन पे, ये सारे सिस्टम जितने लोग भी यूज करते होंगे, हमारे स्टूडेंट्स भी काफी ज्यादा लोग डिजिटल ई बैंकिंग का यूज करते हैं, मोबाइल बैंकिंग का यूज, तो उसमें भी यूपीआई का काफी इंपॉर्टेंस है, आपको मैंने पढ़ाया भी है। यूपीआई पिन कितने डिजिट का होता है? तो मैं आपको बता दूं, पहले यूपीआई पिन 6 डिजिट के हुआ करते थे, और अभी भी कहीं कहीं पे 6 डिजिट की ही मांग होती है, लेकिन बाकी जगहों पे 4 डिजिट में भी यूपीआई पिन को हम जनरेट कर सकते हैं, इसलिए ना ही 8 सही होगा, 8 तो बिल्कुल ही सही नहीं होगा। अगर 6 होता तो पहले दो तीन साल पहले ये यूपीआई पिन जो होते थे वो 6 डिजिट के बनते थे, और लेकिन इस समय जो कर दिया गया है यूपीआई पिन का जो डिजिट कर दिया गया है वो 4 कर दिया गया, इसलिए दोनों ऑप्शन सही होगा, 4 to 6। कहीं कहीं पे 4 डिजिट का यूपीआई पिन बनता है, कहीं कहीं पे 6 डिजिट का यूपीआई पिन बनता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25, क्या आप मैसेज में बिना विषय के संदेश लिखकर मैसेज भेज सकते हैं? तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। अगर आप मेल कर रहे हो और उसमें आपने डाल दिया डेस्टिनेशन, किसको आप भेज रहे हो मेल, उसका आईडी आपने लिख दिया, ईमेल आईडी लिखने के बाद नीचे पूछता है सब्जेक्ट, अगर वो सब्जेक्ट आप ना लिखें, डायरेक्ट मैसेज राइट कर दें कि आपने क्या देना है, हेलो, गुड मॉर्निंग, समथिंग, तो क्या आप मैसेज को सेंड कर सकते हैं? जी हाँ, मैं बताना चाहूंगा, बिल्कुल सही आंसर इसका, आप बिना सब्जेक्ट के भी मैसेज को भेज सकते हैं, या फिर आप मैसेज भी ना लिखें, खाली आप जिसको भेजना है उसको लिख के सादा मैसेज भेज सकते हो आप, ठीक है ना। तो ये कोई बात नहीं हुई कि आप बिना सब्जेक्ट के मैसेज नहीं भेज सकते, आप बिल्कुल मैसेज को भेज सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। लैन, मैन, वैन का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया? आपको बताना है ये जो लैन, मैन, वैन, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वैन वाइड एरिया नेटवर्क को किस जनरेशन में यूज किया गया था? तो इसे 4th जनरेशन में यूज किया गया था, ऑप्शन नंबर डी सही है। 27, आईसी का निर्माण किसने किया था? आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट को किसने बनाया था? तो इसका राइट आंसर होगा जैक किल्वी ने बनाया था, ऑप्शन ए सही होगा आपका। 28 पे आते हैं, लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट की क्या है? अगर आपसे पूछता कि एमएस ऑफिस में प्रिंट प्रीव्यू क्या होता तो आप F12 कर देते, F12 अगर आप प्रेस करते तो उसका प्रिंट प्रीव्यू हो जाता, बट इसमें लिब्रे ऑफिस राइटर में पूछ रहा है प्रिंट प्रीव्यू, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल शिफ्ट के साथ ओ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ हम प्रेस करेंगे तो हम अपने डॉक्यूमेंट का शॉर्ट प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। यूटीआर का पूरा नाम क्या है? यूटीआर, ये यूटीआर क्या है? तो यूटीआर का जो पूरा नाम है वो ऑप्शन नंबर सी है, यूनिक ट्रांजेक्शन रेफरेंस, यूनिक ट्रांजेक्शन रेफरेंस यूटीआर का पूरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 30, यूएलएसआई, एलएसआई, वीएलएसआई का प्रयोग किस पीढ़ी में हुआ, किस पीढ़ी में किया गया? तो मैं बता दूं आपको, ये एक माइक्रो प्रोसेसर चिप होता है, और इसका माइक्रो प्रोसेसर चिप का जो यूज किया गया था वो 4th जनरेशन में किया गया था, इसलिए
क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन में आपने वैक्यूम ट्यूब यूज किया था, सेकंड जनरेशन में आपने उसके जगह पे ट्रांजिस्टर यूज किया, थर्ड जनरेशन में आईसी यूज किया था जो कि इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, थर्ड जनरेशन में आपने चिप का यूज किया था, और फोर्थ जनरेशन में आपने माइक्रो प्रोसेसर चिप का यूज किया था, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर ये VLSI LSI जैसे बोल देते हैं, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, तो ये सारी चीजें, इसलिए ऑप्शन नंबर फोर्थ सही होगा, ऑप्शन नंबर डी फोर्थ जनरेशन। 31 क्वेश्चन नंबर, यूपीआई नगदी लेन देन को बढ़ावा देता है, क्या ये सही है? तो नगदी का मतलब आपको मैं बताना चाहूंगा कैश होता है, और कैश यूपीआई में नहीं होता, कैशलेस होता है। वो अभी मोदी जी भी देखे प्रचार कर ही रहे थे कि कैशलेस इंडिया, मेक इन इंडिया बनाइए, तो इसमें जो यूपीआई की नगदी लेन देन को बढ़ावा देता है ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 32 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, लिब्रे ऑफिस विंडो को बंद करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो 32 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कंट्रोल प्लस क्यू। 33 क्वेश्चन नंबर, सफारी एक सर्च इंजन है, तो सफारी एक सर्च इंजन है ये सही है या गलत है? तो मैं आपको बताऊं, सफारी एक ब्राउजर है ना कि सर्च इंजन है, इसलिए ये 33 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सफारी एक सर्च इंजन है ये गलत है। उमंग एप्लीकेशन किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? उमंग, आपको बताना है उमंग जो एप्लीकेशन है उसको किस मंत्रालय ने शुरू किया था? तो जाहिर सी बात है उमंग एक एप्लीकेशन है जिस पर सारे गवर्नमेंट की जो ई गवर्नेंस सुविधाएं होती हैं किसी भी नागरिक के लिए, उस पर सारी सुविधाएं वो अवेलेबल करवा दिया है एक ही जगह पे, इसलिए आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। उमंग एप्लीकेशन जब आपको मैं पढ़ाऊंगा तो उसपे भी एक वीडियो मैं आपको बना के दूंगा, उमंग एप्लीकेशन क्या होता है, उसका यूज कैसे करते हैं। तो जो उमंग एप्लीकेशन होता है उसे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने, मंत्रालय ने शुरू किया था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35, पहला वेब ब्राउजर, ग्राफिक वेब ब्राउजर कौन सा था? तो पहला वेब ग्राफिक वेब ब्राउजर मैं आपको बताना चाहूंगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मोजेक, मोजेक जो है वो पहला ग्राफिक ब्राउजर था। इक्वल टू सम 5.2 कितना होता है? तो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन आ गया है, आपको जोड़ना है सम का, इफ सम एक फंक्शन है जो उसके अंदर लिखे गए आर्गुमेंट्स को क्या करता है, जोड़ देता है, 5 और 2 मिलके 7 होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है नाबार्ड, नाबार्ड किस कमिटी के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है? नाबार्ड एक एग्रीकल्चरल बैंक होता है, इसका पूरा नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा, नाबार्ड किस कमिटी के द्वारा इस्टेब्लिश्ड किया गया है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर होगा, ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा, बी शिव रमन कमेटी, बी शिवरमन कमेटी के द्वारा नाबार्ड कमेटी को एस्टेब्लिश किया गया था, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 38 पे बढ़ते हैं, एसईडी स्टैंड्स फॉर, एसईडी का पूरा नाम क्या है? स्ट्रीम एडिटर, स्मोक इमिटिंग डायोड, स्वीट एगल ड्रीम्स, या ऑल ऑफ द अबव? ये इसको मैं आपको बता दूं, ये तीनों ऑप्शन जो तीनों फुल फॉर्म है, ये तीनों फुल फॉर्म बिल्कुल अलग अलग जगहों पे अलग अलग के लिए यूज किए जाते हैं और बिल्कुल सही है, ऐसा कोई नहीं है कि जिसका यूज ना किया जाता हो, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑल ऑफ द अबव। एसईडी का स्टैंड्स फॉर ये तीनों सही है, स्ट्रीम एडिटर भी कहा जाता है, स्मोक इमिटिंग डायोड भी कहा जाता है, स्वीट एगल ड्रीम्स भी कहा जाता है। अगले बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ, कौन सी कुंजी का प्रयोग संयोजन दूसरी कुंजी के साथ किया जाए जिससे दस्तावेज में अंतर दिखाई दे? दस्तावेज में अंतर दिखाई दे का मतलब हो गया कि शिफ्ट के साथ तो हम कोई कुछ कर नहीं सकते, जब हम टाइप करते हैं तभी शिफ्ट का यूज करते हैं या फिर सेलेक्ट करते हैं, फंक्शन का इस्तेमाल तो करेंगे नहीं, क्योंकि फंक्शन एक फॉर्मूला होता है, कैप्स लॉक का इस्तेमाल हम करेंगे नहीं, कैप्स लॉक भी वो खाली कैपिटल लेटर्स, लेटर को कैपिटल कर देता है। डी इज द राइट आंसर, डी कंट्रोल बटन है, कौन सी कुंजी का संयोजन, संयोजन मतलब मिलाकर दूसरी कुंजी के साथ किया जाता है, तो ये ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल होगा, कंट्रोल के साथ ही हम किसी दूसरे बटन का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, पॉकेट वैलेट किस बैंक ने शुरू किया था? पॉकेट वैलेट, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा ने ही पॉकेट वैलेट स्टार्ट किया था।
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्रिप्टोग्राफी क्या है? क्रिप्टोग्राफी क्या है? तो ऑप्शन नंबर यह है कि हम यह हमारे डाटा को सुरक्षित रखता है, डाटा को सीक्रेट कोड में बदल देता है, इसका इस्तेमाल डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड में होता है या उपरोक्त सभी। तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा क्रिप्टोग्राफी क्या होता है। आपने बहुत सुना होगा कि इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन, इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन आप इंटरनेट के माध्यम से सुने होंगे कि इंटरनेट एक एकदम बहुत बड़ा नेटवर्क है। मैं आपको थोड़ा सा समय लूंगा क्रिप्टोग्राफी समझाने के लिए। जो इंटरनेट है वो कंप्यूटर नेटवर्क का बहुत बड़ा नेटवर्क है, नेटवर्कों का नेटवर्क है, और उस पर लाखों कंप्यूटर आपस में इंटरफेयर करते हैं, बातचीत करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। उसमें हमारा जो डाटा होता है इंटरनेट पर, आपको भी पता है कि हमारा डाटा बिल्कुल सिक्योर नहीं होता, क्योंकि कोई भी थर्ड पर्सन आके, कोई भी थर्ड पर्सन का नेटवर्क आके हमारे डाटा को हैक कर सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं, यूजर क्या करता है, अपने डॉक्यूमेंट को एक कोड देता है, जो खुद कोड जनरेट करता है, उसको सिक्योर रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, और वो सुरक्षित कोड जहां पे डेस्टिनेशन पे भेजना होता है वहां पे भेज देता है, ताकि बीच में अगर कोई इसको लेना भी चाहे तो वो कोड जब एंटर करेगा तभी ले पाएगा, तभी उसको एक्सेस कर पाएगा। इसको बोलते हैं इनक्रिप्शन। लेकिन जब उस कोड के द्वारा फिर से उस फाइल को ओपन किया जाता है तो उसको बोलते हैं डिक्रिप्शन, मतलब हमारी फाइल खुल गई है। तो ये जो सारी सिस्टम्स हैं, इन सिस्टम्स को जब इंटरनेट पे काम किया जाता है तो अपने फाइलों को जब भेजा जाता है तो उस फाइलों को एक कोड में बदल दिया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है। कोड में बदलने की जो प्रोसीजर प्रोसेस होता है उसी को बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी। हमारी फाइल को जब इंटरनेट पर भेजा जाता है तो उसको एक कोड में जनरेट कर दिया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है, इसी को बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है कुछ इसी तरीके का है, डाटा को सीक्रेट कोड में बदल देता है, तो यही हमारा क्रिप्टोग्राफी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। बार बार मैं कह रहा हूं आपसे कि 100% ये क्वेश्चन आने ही आने हैं, इसलिए बहुत अच्छे से आप इसका यूज करेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 42। नेक्स्ट स्लाइड पर जाने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? नेक्स्ट स्लाइड, स्लाइड वन, स्लाइड टू, स्लाइड थ्री बनती है ना, तो उसमें नेक्स्ट स्लाइड पर जाने का शॉर्टकट की क्या होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पेज डाउन। क्वेश्चन नंबर 43। फेसबुक के फाउंडर कौन है? इसको मैं बार बार बताता रहता हूँ, फेसबुक के फाउंडर, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर, अलीबाबा कंपनी के फाउंडर, ये सारी चीजें आप देखते भी रहिएगा। कोई जरूरी नहीं कि मैं लिखवाऊं, मैं जितना लिमिटेड लिखवा दिया हूं उससे भी ज्यादा आप लिखवा मतलब याद करते रहिएगा। तो फेसबुक के जो फाउंडर है, ऑप्शन नंबर ए मार्क जुकरबर्ग इज द राइट आंसर। CDRW क्या है? CDRW क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 44। तो CDRW ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हम CDRW में पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं और दोबारा लिख सकते हैं, ठीक है ना। RW का मतलब ही होता है रीराइटेबल, यानी कि दोबारा उसको लिखकर हम उसको पढ़ भी सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में स्लाइड शॉर्टर किस मेनू में पाया जाता है? स्लाइड शॉर्टर किस मेनू में पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, स्लाइड शॉर्टर जो होता है व्यू मेनू में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, पॉज का पूरा नाम क्या है? पॉज का पूरा नाम क्या है? पॉइंट ऑफ सेल, पोस्ट ऑफ सेल्स, पॉइंट ऑफ सोल्ड, नॉन ऑफ दीज। देखते होंगे आप पॉज मशीन, नाम सुना होगा पॉज मशीन, जो अलग अलग आप कहीं शॉपिंग करने जाते हैं मॉल्स वगैरह में, या फिर कहीं पेट्रोल भरने जाते हैं, तो वहां पे एक मशीन होती है जिसमें आप अपना कार्ड स्वैप करके उसको पेमेंट कर सकते हैं। तो उस मशीन को जिसमें आप कार्ड स्वैप करते हैं, पैसा निकालते हैं या फिर पैसा जमा करते हैं, तो उसी को बोला जाता है पॉस मशीन। पॉस मशीन का जो पूरा नाम होता है वो होता है पॉइंट ऑफ सेल। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। लिब्रे ऑफिस में कट करने का शॉर्टकट क्या है? कट करने का, तो इसमें Ctrl+C, Ctrl+S, Ctrl+K, Shift+X, माफी चाहता हूं, इसमें जो ऑप्शंस देने थे राइट आंसर वो ऑप्शन है नहीं एक्चुअली, क्योंकि इसका लिब्रे ऑफिस में कट करिए या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कट करिए, दोनों का शॉर्टकट सेम होता है, Ctrl+X होता है, इसलिए इसमें इसका कोई ऑप्शन नहीं सही होगा। लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा लिब्रे ऑफिस में कट करने का, वो Ctrl+X होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। ट्विटर के लोगो में क्या होता है? चिड़िया, जानवर, टी लिखा होता है या इनमें से कुछ नहीं होता है? तो आपको बता दूं कि छोटी सी चिड़िया होती है, गोरैया टाइप की, ट्विटर में के लोगो में वही चिड़िया ही बनाई गई है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा, चिड़िया।
ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 49, मोबाइल फोन किसके द्वारा ट्रैक किया जाता है? मोबाइल फोन किसके द्वारा ट्रैक किया जाता है बताइए। IMEI नंबर होता है कि आपका जो मोबाइल होता है, मोबाइल के पीछे बैटरी के नीचे वहां पे IMEI नंबर होता है। हर एक मोबाइल का अपना अलग यूनिक कोड होता है। और GPS तो आपको पता ही है, सैटेलाइट के द्वारा, यानी कि आपके मोबाइल में भी GPS होता है और सैटेलाइट से उसको क्या किया जाता है, तुरंत ट्रैक किया जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए से भी हम मोबाइल को ट्रैक कर सकते हैं और ऑप्शन नंबर बी को भी हम ट्रैकिंग के लिए यूज करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बोथ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों सही होगा, हम दोनों से मोबाइल की ट्रैकिंग करते हैं। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब हुआ था? आपको बताना है, जो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज किया गया था उसका आविष्कार कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1904 में इसका आविष्कार हुआ था। तो ये थे आज के कुछ CCC के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बनी रही हमारे चैनल द नॉलेज अप के साथ, फिर मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।